नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भारत सरकार जो है वो सभी लोगों को लाखों रुपया बांट रही है, लेकिन हम लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं हो पाती या जानकारी का अभाव होता है जिसकी वजह से हम इसका लाभ नहीं उठा पाते। दोस्तों, आपने मुद्रा लोन योजना के बारे में सुना होगा और कई आपने उसकी वीडियो भी देखी होगी और उसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते भी होंगे, लेकिन किन किन चीज़ों पर उस लोन का आपको फ़ायदा मिल सकता है या किन किन चीज़ों पे वो लोन आप ले सकते हैं और बड़ी आसानी से आपको उसका लोन मिल सकता है। दोस्तों, भारत सरकार जो है वो कई लोगों को लोन बांट रही है, या कहें कि अगर आपके पास छोटी सी भी स्किल है या छोटा सा भी आपके पास काम करने का उद्देश्य है तो आपको इसके अंदर भारी लोन मिल सकता है। दोस्तों, लोन की जो राशि है वो 50 हज़ार से लेके आपको 10 लाख रुपये तक मिलेगी और दोस्तों कई लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और आपको भी इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो योजनाएँ होती हैं बहुत ही आसानी से इसका लाभ मिल जाता है, बस हमें जानकारी नहीं हो पाती इसलिए हम इसका लाभ नहीं ले पाते। तो इसीलिए इस वीडियो में आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। देखिए, एक एप्लीकेशन है जिसमें आपको इसकी सारी डिटेल मिल जाएगी, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए कि आपको इसके अंदर करना क्या है। तो देखिए, एक एप्लीकेशन है, इसमें आपको मुद्रा लोन की जो सारी डिटेल है, इसके पहले तो इसके बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बताया जाएगा, इसके बारे में आपको सारी चीज़ें तो पता ही हैं, या कुछ चीज़ें जो नहीं पता वो आपको इसमें पता चली जाएगी। इसके अंदर बारीकी से लेके सारी चीज़ें इसके अंदर सब लिखा हुआ है कि आपको ये मतलब इस योजना का ये क्या है, क्यों इस योजना को बनाया गया, ठीक है। लेकिन जो मेन इसके अंदर जो चीज़ पॉइंट है वो है एक ये कि ऋण लेने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, सारी चीज़ें आपको नहीं पता होती, आपको सिर्फ ये बता दिया जाता है कि आपको मुद्रा लोन योजना मिल रही है, 3 तरह का लोन मिलता है, बस इसी तरह की आपको बातें बता दी जाती है, लेकिन जो डिटेल होती है, जो बारीकियां होती है वो आपको नहीं पता चल पाती। अब देखिए, मुद्रा लोन लेने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो बस आपकी योग्यता ये होनी चाहिए कि आप भारत के नागरिक होनी चाहिए, बस और कोई योग्यता नहीं चाहिए, आपके सारे डॉक्यूमेंट बने हुए होने चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको लोन कैसे मिल सकता है। देखिए दोस्तों, आप चाहे पापड़ बनाने वाली महिलाएं हैं, चाहे आप अचार बना सकती हैं, या मान लीजिए आप कोई पुरुष हैं, या आप कटिंग करने वाले हैं, आपकी कोई शॉप है, आप कोई परचून की दुकान चलाते हैं, ये मान लीजिए आप कोई साइकिल पंचर की दुकान खोलना चाहते हैं, या मान लीजिए आप दुकान खोलना चाहते हैं, चाहे आप किसी और को बिठा दीजिए, आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, या आप कोई शॉप खरीदना शुरू करना चाहते हैं, परचून की दुकान खोलना चाहते हैं, अपने नाम से आप दुकान खोल लीजिए, किसी और को उसके ऊपर बिठा दीजिए। आप मान लीजिए आप सब्जी तरकारी बेचते हैं, फल फ्रूट वगैरह, या जूस का कॉर्नर है आपका, कुछ भी छोटा मोटा अगर आपका ध्यान है या आपको लगता है कि मैं इसको कर सकता हूँ या मैं मुझे इसको करना चाहिए, तो आपको भी इसके अंदर लोन मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। दोस्तों, इसके अंदर साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि अगर आपको छोटी मोटी दुकान भी चाहिए, या आपका ब्यूटी पार्लर, या मान लीजिए आप अचार पापड़ छोटे मोटे व्यवसाय, आप दर्जी कुमार, कुछ भी आपका काम है या आप ऐसा काम करना चाहते हैं। देखिए, हर कोई बिजनेसमैन, जो भी बिजनेसमैन होता है वो खुद ही काम नहीं करता, वो अपने एम्प्लॉय रख लेता है और काम करवाता है। इसी तरह आप भी अगर छोटी मोटी कोई शॉप खोलना चाहते हैं, आप शॉप खोल लीजिए, आप उसके अंदर अपने कारीगर रख लीजिए, अपने नाम पर अपनी शॉप खोलिए। बस आपको करना क्या है, एक तो अपने सारे डॉक्यूमेंट आप रेडी रखिए, जैसे कि आपका आधार कार्ड, लाइसेंस, पैन कार्ड, ठीक है, और जहाँ पे भी आपको शॉप खोलनी है या आप चाहते हैं कि कोई बिज़नेस आपको स्टार्ट करना है तो उस जगह की आपको डॉक्यूमेंट बना लेने हैं, या आपकी दुकान है या कुछ भी है उसके आप पेपर बना लीजिए, ठीक है। और जो भी आप काम करना चाहते हैं उसके आप डिटेल लिखिए, मतलब उसकी डिटेल लिखिए कि आप किस तरह से काम शुरू करना चाहते हैं, क्या क्या उसके अंदर आपको चाहिए, क्या क्या सामान लगेगा, कितनी उसके अंदर लागत आ सकती है और कितना आपको मुनाफा उसके अंदर मिल सकता है, कितने आपको लोग रखने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप एक फ़ाइल बना लीजिए। इस फाइल को बनाने के बाद बस आपको और कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ये फ़ाइल बना लेनी है कि ये मेरा काम है, मैं इस काम को करना चाहता हूँ, ये मेरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है और इस तरह का मैं काम करूँगा, इसमें इतनी लागत है, इतने लोग चाहिए, इतना सामान लगेगा, ऐसे ऐसे सामान आएगा, वहाँ से सामान लेना है। पहले आप रिसर्च कीजिए, मतलब मुश्किल नहीं है, आपको लग रहा होगा कि थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल नहीं है दोस्तों, बहुत ही आसानी से आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी। बस आपको एक फ़ाइल बना लेनी है, आप किसी से भी आप बनवा लीजिए, लिखवा लीजिए, ठीक है। अब उस फाइल को बनाकर आप अपने बैंक में जाइए, या आप ये कीजिए कि पहले आप अपने बैंक में जाइए, बैंक में इसके बारे में पता कीजिए, वो आपको बताएंगे कि किस किस तरह के डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो उस तरह के आप डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए। तो आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी इस एप्लीकेशन में कि आपको किस तरह के डॉक्यूमेंट बनाने हैं, ठीक है। फिर आप अपनी फ़ाइल बनाइए और उसके बाद अपने बैंक में जाइए और वहाँ पर आप उसको वहाँ पर बताइए जो भी आपका प्रपोज़ल या आपका प्लान है। तो दोस्तों, जो भी आप अपना जब देंगे अपनी फ़ाइल बैंक में और एप्लीकेशन में, जब आप अप्लाई करेंगे लोन के लिए, तो बैंक से जो है वो आपकी जो भी आपने जगह उनको बताई होगी वहाँ पर एक सर्वे किया जाएगा और फिर उसको देखा जाएगा, आपकी फ़ाइल को पढ़ा जाएगा कि हाँ, इन्होंने बिल्कुल ठीक ठीक सारी बातें बताई हैं और ऐसा ऐसा काम ये करना चाहते हैं,
तो आपको 100% जो है वो लोन दिया जाएगा और बहुत ही मामूली सा उसका शुल्क लिया जाएगा, यानी कि इंटरेस्ट लिया जाएगा। और इसके अंदर देखिए तीन तरह का लोन दिया जाता है, जैसे कि आपने पहले भी कई वीडियो देखी होगी तो वो अलग बात है, तीन तरह का लोन दिया जाता है वो एक अलग बात है, लेकिन हम लोन लेना चाहते हैं मेन चीज़ ये है। तो अगर हम छोटे से लेके बड़ा कोई भी आप व्यवसाय करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर लोन ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, जैसे कि मान लीजिए आप फल सब्जी विक्रेता हैं, दुकानदार हैं, हेयर कटिंग सैलून है, ब्यूटी पार्लर है, ट्रांसपोर्ट है, ट्रक ऑपरेटर है, ठीक है, या कुछ भी है, आपने कुछ भी मरम्मत करने वाली दुकानें खोली हुई है, जैसे कि साइकिल पंचर है, बाइक वाली है, या और भी कोई बहुत सारी सर्विस सेंटर हैं, या आपने टीवी वगैरह की आपको दुकान खोलनी है, या आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बेचना है, कुछ भी छोटी से लेकर बड़ी चीज़ जो भी आपका इंटरेस्ट है, जिसमें भी आपको थोड़ी बहुत रुचि है या ज्ञान है, तो आप उसकी फ़ाइल बनाइए, उसका एक अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक बना लीजिए और अपने बैंक से आप संपर्क कीजिए, आप कि 100% यहाँ पर आपको लोन दिया जाएगा दोस्तों। क्योंकि हमें पूरी जानकारी नहीं होती और पूरी तरह हम अपनी फाइल नहीं बना पाते, इसलिए ही लोन रिजेक्ट होता है। तो आप अपने बैंक से भी संपर्क कीजिए और जिस बारे में आप लोन लेना चाहते हैं, जिस व्यवसाय के लिए, जिस काम के लिए, उन लोगों से भी, उन उस काम से जुड़े हुए लोगों से भी आप संपर्क कीजिए और सारी डिटेल छोटी बड़ी लिख लीजिए कि कहाँ से सामान मिलेगा, कहाँ पर पैसे देने हैं, कहाँ से क्या होता है। उसके बाद आप बैंक में वो सारी फ़ाइल अपनी जमा कर दीजिए, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, जब आपका वो सर्वे हो जाएगा उसके बाद आपका लोन जो है सैंक्शन हो जाएगा। दोस्तों लाखों लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, कई लोगों को ये लोन मिल रहा है और लगभग हर लोगों को लोन मिल रहा है, क्योंकि बैंक वाले भी गाइड करते हैं। आप सरकारी बैंक में जाएंगे तो आपको वहाँ पर ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, प्राइवेट बैंक वाले थोड़ा पल्ला झाड़ देते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से देखिए, ज़रूरी दस्तावेज़ आपको ऑप्शन दिखेगा, आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पर सारी छोटी मोटी सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इस एप्लीकेशन को मैंने पहले स्टडी किया है, उसके बाद ही मैं ये आपके लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि इसमें सारी छोटी बड़ी जानकारियाँ हैं जो आपके मदद आ सकती है। देखिए इसके अंदर आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको यहाँ पर बता दिया है। देखिए आपका पहचान प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास का सबूत होना चाहिए कि कहाँ पर आप रह रहे हैं क्या नहीं, जो भी। और उसके बाद देखिए प्रूफ ऑफ बिज़नेस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि क्या क्या आपको उसके अंदर चाहिए, तो उसमें अगर आपका पहले से ही व्यवसाय है तो आपका पंजीकरण रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह चाहिए। अगर पहले से ही मान लीजिए आपका कोई बिज़नेस है, आप उसे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपका पहले से ही रजिस्ट्रेशन एक नंबर होगा, वो वगैरह यहाँ पे सारी चीज़ें चाहिए। अगर नहीं, आप नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको अपने बिज़नेस की डिटेल यहाँ पर देनी है। या बिज़नेस मतलब देखिए, बिज़नेस मतलब ये नहीं होता कि बहुत बड़ा काम है, पापड़ बनाने से लेके या मान लीजिए चप्पल ठीक करने से लेके बहुत बड़े बड़े जो काम होते हैं ये सब बिज़नेस में ही आते हैं। अब डिपेंड करता है कि हम उस काम को किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी बड़ी चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता था, समझाना चाहता था। तो आप इस तरह से अपना व्यवसाय करने या जो भी जिस भी काम में अगर आपकी इंटरेस्ट है, मान लीजिए आपकी वाइफ कोई काम करना चाहती हैं, या कुछ भी आपकी फैमिली कुछ काम करना चाहती है, आप गारमेंट का शॉप खोलना चाहते हैं, या कुछ भी एक्स वाई जेड काम है, तो उस काम की आप थोड़ी पहले सर्वे कर लीजिए, दुकानदारों से पता कीजिए कहाँ से सामान लेते हैं, कुछ भी। उसके बाद आप प्रोजेक्ट बनाते रहिए, उसकी रिपोर्ट बनाते रहिए, फाइल बना लीजिए और बैंक से संपर्क कीजिए और आपको यहाँ से लोन मिल जाएगा। दोस्तों सबको मिल रहा है तो आपको भी ज़रूर मिलेगा, हम ये कामना करते हैं। दोस्तों ये थी एक इन्फॉर्मेशन कि आप किस तरह से लाखों रुपए ले सकते हैं, अपने अपने आप को कामयाब बना सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो, और अपने दोस्तों परिवार के साथ भी इसे शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर सब्सक्राइब के लाल निशान के ऊपर टच करके, और उसके बाद घंटे के निशान पर जरूर टच कीजिए ताकि आपको हमारी बनाई हुई नई नई वीडियो लगातार मिलती रहें। ये बिल्कुल फ्री होता है और आप इससे ज़्यादा फ़ायदा भी उठा सकते हैं। दोस्तों तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।